लगी है। नहीं, गाड़ी का नंबर नोट किया हो तो चलकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे। नहीं, मैंने नंबर नहीं नोट किया पुलिस को। नहीं, वो आप किसी को तलाश कर रही हैं? आपके साथ कोई था? एक आदमी था यहाँ पे, वो कहाँ चला गया? मैडम, मैं तो कहता हूँ चलकर पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। नहीं, मुझे बस एक टैक्सी चाहिए प्लीज, कुछ मत पुलिस को। नहीं, टैक्सी। चलो। रात हो गई, रिया अभी तक घर नहीं आई। ऋचा भी नहीं है, ऋतु भी नहीं है। आने दो इसको घर, ऐसी खबर लूंगी मैं इसकी कि ये भी याद रखेगी। पर गई कहाँ? हाँ, इसी के साथ होगी। हेलो। हेलो राधा, राहुल है, मुझे उससे बात करनी है। मैं देखता हूँ। राहुल, राहुल। हाय श्रद्धा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय रिया। हाय राहुल, पहले घर फोन कर ले प्लीज। बात क्या है? हमारी फ्लाइट मिस हो गई है श्रद्धा, हम लोग जरा जल्दी में। जल्दी में सब है रिया, लेकिन दोस्तों का कुछ ख्याल करना चाहिए ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता राहुल, जब से मैं गोवा आई हूँ मैं कितनी बोर हो रही हूँ। अब आएगा मजा। I'm so so very glad to see you. लेकिन तुम गोवा में कर क्या रही हो? हमें पता था जनाब आप यहाँ होंगे। कैसे? इंट्यूशन। असल दोस्ती तो इंट्यूशन से पता चल जाती है ना, और आपकी खुशबू तो वैसे ही सारे शहर में फैली हुई है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट श्रद्धा। राहुल रिलैक्स रिया, इट्स ओके। जिंदगी में अगर सरप्राइज ना हो तो जीने का मजा ही क्या है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो रिया? घबराने की बात है राहुल, कुछ बातें ऐसी है जो मैं सबके सामने नहीं कह सकती, लेकिन शायद तुम्हारे पास मेरी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। कोई बात नहीं राहुल, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। काम डाउन स्वीटहार्ट, सब ठीक हो जाएगा। राहुल, हम वापस कैसे जाएंगे? वापस? अब तो फ्लाइट कल ही है रिया। God, मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। तुम घर नहीं बता के आई? वाओ राहुल, हम तुम्हारी इस अदा पे फिदा हो गए। वाओ, तुम रिया को गोवा लेके आए, वो भी डेट पे। काश रिया समझ पाती कि मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मैं वापस जाना चाहती हूँ राहुल। रिया, काफी नाराज हो गई आपकी गर्लफ्रेंड है ना? वो परेशान है। ओह, then I better go. I get a bit tense with परेशानी। राहुल, तुम रुक जाना हाँ? We'll have great fun. Okay? See you later. Ta-da. रिया, रिया, तुम खामखा टेंस हो रही हो रिया। क्यों रो रो के अपने चेहरे पर रिंकल्स ला रही हो? अब तुम ही बताओ, हम कर भी क्या सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहुल, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन शायद तुम सोचना ही नहीं चाहते। और वैसे भी अब रुकने के लिए तुम्हारे पास एक बहाना है। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा होगा वापस जाने के लिए, वो जो आ गई है। तुम, मैं और वो। राहुल, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम मजाक इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए फिक्र नहीं करते, लेकिन मेरे लिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अंडरस्टैंड? दादा, ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं ढूंढ के लाऊंगा रिया को। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है उत्तम, 17 साल अकेले पाला है मैंने उसको। आंसुओं को देखकर पिघलने की भी जरूरत नहीं, ये मेरी बेबसी का सबूत नहीं है। दादा जिद मत करो,
जिद अगर इंसान को आबाद करता है तो कई बार बर्बाद भी करता है। जिद सबसे पहले इंसान को जिंदा रखती है। तुम्हारे बगैर जी सकने की जिद ने इतने साल मेरा साथ दिया। राहुल जिम्मेदार है कि नहीं एकांत से, लेकिन अच्छा लड़का है। राहुल की नस्ल की पहचान मुझे मत कराइए। इस सच्चाई को मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। रात बढ़ती जा रही है, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। तुम ये सब अकेले टैकल नहीं कर पाओगी। 25 साल बाद अचानक आज आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाइए। मैं अपनी जिंदगी का कोई हक आपको नहीं देना चाहती। अपना सुख बांटना तो दूर, अपना दुख भी नहीं बांटने देना चाहती। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। रिया का पता लगाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और तुम्हारी ये सोकार ताकत एक दिखावा है राधा। तुम्हारे डर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। नकार देने से सच्चाई बदल जाती है क्या? मेरी रिया को वापस ले आओ, कहीं से भी उतरो। मेरी रिया को कहीं से भी ले आओ। हेलो मामा। रिया, रिया, रिया तू कहाँ से बोल रही है? बेटा, बेटा घर क्यों नहीं आई तू अब तक? कुछ हुआ तो नहीं ना बेटे? मामा मैं फंस गई हूँ। कहाँ कहाँ? मामा मैं गोवा में हूँ। गोवा? कौन सा? वो राहुल कह रहा था कि सॉरी मामा, एक्चुअली अब शाम की फ्लाइट आने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गई। कैंसिल? मामा फ्लाइट कैंसिल हो गई। मामा प्लीज मैं कल की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगी। प्लीज फॉरगिव मी मामा। मामा मामा कुछ बोलिए ना। मैं तेरी फ्लाइट को रोक नहीं सकती। तू अब उड़ने लगी है बेटा। मामा ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? पैसा, मैं तो पैसे के आगे हार गई उत्तम। सबसे पहले पैसे की खातिर मुझे तुम्हें खोना पड़ा था और आज मेरी बेटी तुम्हारे पैसों की खातिर मुझे छोड़ रही है। Excuse me. Good evening, sir. Welcome back. Good evening. Can I have a double room, please? Sure, sir. Any preference? Only a room. Okay. Your name, sir? Mr. and Mrs. Rahul Seth. Rahul, हम एक कमरे में रहेंगे? तो? रात को? इससे क्या फर्क पड़ता है रिया? पर राहुल कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? इन सब बातों को सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। Excuse me, sir, your room keys. Thank you, ma'am. राहुल, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। Come on, रिया। इंतजार करते करते थक गया था इसलिए हारमोनिका बजाने लगा। वैसे अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अरे आपके पैर को क्या हुआ? क्या दुकानदार ने बार्गेनिंग करने से मना कर दिया इसलिए आप दोनों में झड़प हो गई? तो
तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अब आप कुछ बता कर नहीं गई थी। No POA was decided, so I stuck around. POA? Plan of action, you know. POA जाने के तो मुझे फोन नहीं कर सकते थे? This is madness. अब बिना थोड़ी सी madness के कोई creative काम तो हो ही नहीं सकता। वैसे आप great हैं, मेरी ये धारणा एकदम पुख्ता हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी जगह कोई और होता तो वो किसी ना किसी 5-star होटल में जरूर ठहरता, लेकिन आप में और कोई और में यही तो फर्क है, ये शांति। बस बस रहने दो। आपको अपनी तारीफ सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए ऋचा जी, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश करूं आपकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए, मैं खोलता हूं। कम मेरे आका लीजिए, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आपने 50 घंटे का दिन मांगा था, ये रहा। रिया जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसे खुला रहने दो राहुल। दरवाजा? Are you crazy? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बड़ी मुश्किल के बाद तो ये पल आया, यकीन मानो। मैं तुम्हें जब तक छू नहीं लेता मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे पास हो। कहना बहुत आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल। मेरे दिमाग में तुम्हारी एक बहुत रंगीन तस्वीर है, इसे प्लीज काला मत होने देना। क्या तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो रिया? नहीं राहुल, मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान ले रही हूँ। ये पल दोबारा नहीं आएगा रिया। क्यों नहीं आएगा? ये पल दोबारा क्यों नहीं आएगा राहुल? मैंने बातों से लड़कर तुमको पाने की कोशिश की है, मुझे अपनी पसंद पर हमेशा गर्व होने देना। I love you, रिया। I really love you. अगर मैं तुम्हारे मन से प्यार कर सकता हूँ तो तुम्हारे तन से क्यों नहीं? क्योंकि मुझे इस डरे डरे और सहमे सहमे प्यार से नफरत है राहुल। दरवाजा बंद करते ही प्यार का एहसास झूठा लगता है। Let's celebrate in a new way, राहुल। जिंदगी बहुत छोटी है और हमारे पास बांटने के लिए बहुत कुछ है शरीर के सिवा। राहुल, इन खिड़कियों को खुला रहने दो और ठंडी हवा को अंदर आने दो। इस आसमान से चांद और सितारों को उतर कर हमारे कमरे में आने दो राहुल। Now let's see. ये क्या कर रहे हो अभी? मरम पट्टी, relax, please. तुम बहुत जिद्दी हो। तो पूछ लो। माई डैड वॉज अ डॉक्टर, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। यू प्लीज रिलैक्स। ओके, कभी थैंक्स मत कहिएगा। यू हैव अ राइट ओवर मी। आई विल गेट इट। हेलो, किसका फोन है अभी? हेलो,
खाने पे रोगी हो साले, मक्कर को नफरा नहीं मांगता, लड़की का पीछा छोड़ दे, अंडरस्टैंड? कौन था? ब्लैंक कॉल था। रिया, ये क्या है? नाइटी, मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, जस्ट फॉर सेफ्टी। सेफ्टी? ये नाइटी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? आई एम जस्ट स्मार्टर देन यू रिया। राहुल, इट वाज ऑल प्लान्ड। राहुल, तुम जानबूझकर लेट हुए। It was all planned, है ना राहुल? कैसी बात कर रहे हो तुम भैया? Yes राहुल, otherwise why this nightie? दरअसल सब एक बहाना था। तुम इस चार दीवारी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। तुमने एक बार भी उस टैक्सी ड्राइवर को नहीं कहा कि तेज चलाओ। Because it was all planned. Yes राहुल, it was all planned. बस करो रिया। मुझे गलत मत समझो। राहुल, लीव मी, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। एक रात ही तो हमारे हिस्से में आई है, उसे भी तुम जाया कर रही हो। रिया, प्यार एक एहसास है, लफ्जों के अलावा इसे और किसी तरीके से भी तो समझाया जा सकता है। चाहते हो मुझे ये सब नहीं सीखना, तो प्लीज ऐसे चले जाओ, जस्ट गो अवे। रिया, मैं तो सिर्फ हमेशा के लिए हम दोनों के बीच में एक रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ।